बैक टू माई चैनल सिंपी सी राजपूत। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा ऑल टाइम फेवरेट रेमेडी, जिससे मैं हमेशा से यूज करते आई हूँ अपने स्कैल्प से डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई अच्छी सी होम रेमेडीज ढूंढ रहे हो जो काफी इफेक्टिव हो और बहुत ही सिंपल हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डैंड्रफ जो आज के टाइम में एक बेसिक प्रॉब्लम बन चुका है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत लोगों के मौसम डाइवर्ट के कारण डैंड्रफ हो जाता है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में आने जाने के कारण या सफर करने के कारण डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। अगर आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश नहीं करोगे तो भी आपको डैंड्रफ की परेशानी हो सकती है। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने हेयर को टाइम टू टाइम चंपी नहीं करते हैं, मसाज नहीं करते हैं। इसके कारण हमें सबसे ज्यादा डैंड्रफ से सर्वाइव करना पड़ता है। अगर मैं बेसिकली अपनी बात करूं तो मुझे डैंड्रफ होता है मौसम के डाइवर्ट होने के कारण। अब जैसे ही विंटर वाइप्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डैंड्रफ की होती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारे बहुत सारे हेयर फॉल होने लगते हैं और हम इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली बॉय हो या गर्ल, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हमारा हेयर फॉल ना हो। तो आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, 100% इफेक्टिव है। एंड या ये सिर्फ आपके डैंड्रफ को ही रिड्यूस नहीं करेगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके साथ साथ आपको मिलेगा सिल्की स्मूथ प्लस स्ट्रॉन्ग हेयर, और बहुत ही जल्दी ये जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे भी कम कर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट, फर्स्ट लेमन एंड सेकेंड करी लीव्स। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से करी लीव्स को वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो डर्ट होगा वो आपके स्कल्प पे आ सकता है। तो सबके बाद थोड़ा सा पानी लेके उसमें करी पत्ते डाल के इसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। तो करी लीव्स को उबालने के बाद मैंने ग्लास में रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन। तो मैं एक लेमन ले ली हूं, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये कट किया हुआ लेमन हम इसमें स्क्वीज कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल है आप उसमें डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कोई सा भी ऑयल जो भी यूज करते हो उसमें डाल दो। एंड गाइज, मेरी तरफ से आप सबके लिए एक स्पेशल टिप है कि आप जब भी हेयर पैक लगाओ आप उसमें ऑयल जरूर डालो, क्योंकि ऑयल क्या करता है कि हमारे बालों को सिल्की प्लस स्मूथ बनाता है और किसी भी पैक का 100% इफेक्ट देता है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज करूंगी, और मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा पसंद है। ले लिया है कोकोनट ऑयल, तो इसके कुछ ड्रॉप मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लो। तो मेरे पास ये एक स्प्रे बॉटल था, मैं उसमें इसे डाल लेती हूँ। आज का हमारा वेरी सिंपल एंड 100% इफेक्टिव रेमेडीज बनकर तैयार है। और अब हम इसे डायरेक्ट अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। और हाँ, अप्लाई करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट तक अपने फिंगर टिप से जेंटली मसाज करना है, और उसके बाद 1 आवर तक इसे लगा रहने देना है, ताकि आपके स्कैल्प पे जो डैंड्रफ है उसे अच्छे से रिड्यूस होने का टाइम मिल सके, प्लस इसके जो बेनिफिट्स है वो भी हमारे स्कैल्प में जा सके। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। सो गाइस, करी लीव प्रोटीन एंड बेटा कैरोटीन को जेनरेट करता है, और इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और मिनरल और विटामिन्स का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये बहुत ही नेचुरल हर्ब है। और अगर बात करें लेमन की, तो लेमन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, जो हमारे स्कैल्प से किसी भी तरह के डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट है गाइज। किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लो, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 100% इफेक्टिव रेमेडी है फॉर रिड्यूस डैंड्रफ एंड कंट्रोल हेयर फॉल, और ये काफी आसानी से आपके किचन में अवेलेबल भी है। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो आप कर दो मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक, एंड या कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और इसी तरह मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके साथ मिलती रहूंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना रखें ख्याल। टाटा बाय बाय।